हेलो फूडीज, वेलकम टू आसिफा कोसर्स किचन। आज मैं हैदराबाद की एक फेमस डिश लुकमिया बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मैदे का आटा लिया हुआ है, उसमें मैंने थोड़ा सा पहले से ही नमक मिला लिया है। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून बटर ले रही हूँ। बटर को आटे के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है, जब तक जैसे हम मुट्ठी बनाएंगे तो ये एक मुट्ठी में आ जाना चाहिए। बटर को मैंने आटे के साथ अच्छे से मिला लिया है, ये देखिए। अब हम इसको पानी के साथ गूंद लेते हैं। आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इस आटे को ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा आटा रेस्ट होता है, इस बीच हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। हमारा ऑयल गरम हो गया है। मैं एक छोटी सी कटी हुई ऑनियन ले रही हूँ, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक हमें इसको पकाना है। हमारी प्याज हो गई है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला रही हूँ। इसको भी थोड़ी देर हम पका लेंगे, जब तक के जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन दूर हो। 2 कटी हुई हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने सूखे मसालों में 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। अब सबको इसमें हम मिलाएंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी कीमा डाल देंगे। कीमा डालकर हमें अच्छे से भूनना है। मैंने कीमा को सब मसालों के साथ मिलाकर अच्छे से भून लिया है। इसमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए, तेल का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि इसको डीप फ्राई करते हैं। अगर तेल ज़्यादा हो गया मिक्सिंग में तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब मैं इसमें कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। धनिया डालकर हमें इसको 5 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर अच्छे से पकाना है। इसको ढककर मैं अभी 10 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। कीमे को मैंने 10 मिनट के लिए पका लिया है। हमारा कीमा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें 1/2 लेमन जूस डालेंगे। कीमे को हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल कर रख देते हैं। हमारा आटा अच्छे से रेस्ट हो गया है। अब देखते हैं इसको आगे क्या करना है। अब हम इसको सूखा आटा लगा कर बेल लेंगे। इसको हमें रेक्टेंगल में बेलना है। इसको मैंने रेक्टेंगल शेप में बना लिया है। अब हम इस पर अच्छे से
बटर लगा लेंगे। बटर हमें अच्छे से लगाना है इस पर ताकि वो पूरी तरह सब जगह स्प्रेड हो जाए। बटर लगाने के बाद हम इस पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। छिड़क कर हमें इसके एक कॉर्नर से फोल्ड करना है, फिर दूसरा कॉर्नर लेकर इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसको हम फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रख देंगे। फ्रीज़र से मैंने इसको निकाल लिया है। इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर इसको हम बेल लेंगे। इसको फिर से हमें रेक्टेंगल शेप में बेलना है। इसको मैंने रेक्टेंगल शेप में बेल लिया है। एक बार फिर से हम इस पर बटर लगाएंगे। बटर हमें जैसे कि मैंने बताया अच्छे से लगाना है। बटर लगाने के बाद फिर से इस पर सूखा आटा छिड़क देंगे। फिर वही सेम प्रोसेस, इसको हम इस तरह से करके फिर से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब हम इसको फिर से सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। इसको हम पतला बेल लेंगे। जितना हम पतला बेल सकते हैं उतना हमें इसको पतला बेलना है। मैंने इसको बेल लिया है पतला। एक पतली शीट तैयार कर ली है मैंने इसकी, लुखमी की शीट। अब हम इसको चारों तरफ से साइड के कॉर्नर्स निकाल देंगे इसके। अब इसको हम दो हिस्सों में काट लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें इसको फिर से काटना है, तीन हिस्से इसके करना है। इस तरह से अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कीमा भर लेंगे। कीमा भरने के बाद हम इसके साइड्स पर पानी लगा लेंगे ताकि तलते वक्त ये छूटे ना। पानी लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, अच्छे से इसको प्रेस करना है। अब मैं इसको फोर्क से थोड़ा प्रेस कर लूँगी। इसे एक अच्छा
डिज़ाइन भी बन जाता है और हमारी स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी। मैंने इस तरह से लुखमिया भर ली हैं। अब हम इसको गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल देंगे। चाहे तो आप इसको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। इसको हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। लुकमिया बनकर तैयार हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल आसिफा कौसर किचन को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।